उधर संभल में गंगा का बाढ़ जो है रौद्र रूप लिए हुए है। गंगा में पानी ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरौरा बैराज पर गंगा में हाई फ्लड के साथ ही 3,17,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। बाढ़ का पानी बझांगी गांव में घरों में घुस गया है। वहीं साधमढ़ी आश्रम के अलावा कई गांवों से सटकर गंगा बह रही है। बीते 24 घंटे में गंगा में 6,000 क्यूसेक पानी और बढ़ा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संभल जनपद के गुन्नौर तहसील के गांव बझांगी में 8-10 घरों में गंगा का पानी घुस गया है। वहीं ताहरपुर, मैंगरा और रघुपुर साधमढ़ी आश्रम से सटकर गंगा बह रही है। बाढ़ प्रभावित गांव में मदद के लिए एक नाव मौजूद है। वहीं ग्रामीण किसी सरकारी मदद के मिलने से इनकार कर रहे। लगातार उफान मार रही गंगा से तहसील क्षेत्र के दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बाढ़ के पानी से प्रभावित गांव में खाना बनाने वो जगह समेत पशुओं को चारे की समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीण प्रशासन पर कोई राहत न देने का आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें संभल की आप देख रहे हैं। गंगा यहां पर उफान पर है, लोग परेशान हैं। लोगों के सामने खाने और रहने तक की समस्या उत्पन्न हो गई है और जानवरों के चारे की परेशानी अब बड़ी होती जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से पूरा का गाँव डूब चुका है। वैसे 8-10 घरों में पानी आ गया है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री वगैरह दी गई है? कुछ नहीं। कब से पानी आया है? 2-3 दिन हो गए। सोमवार को हरिद्वार बराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था और वही पानी जो है प्रभावित होकर गंगा जी में अब यहां तक पहुंचा है। वर्तमान में नरौरा बराज पर लगभग 65 सेंटीमीटर खतरे के मार्ग से ऊपर गंगा जी चल रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। हमारे जो 6 गांव जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं बंदे के अंदर होने के कारण, वहां पर लगातार हमारी प्रशासन की टीम बनी हुई है। SDM साहब, तहसीलदार साहब, सभी लोग लगातार मौके पे बने हुए हैं और गांव वालों से टच में हैं। अभी घरों में पानी पहुँचा नहीं है, खेतों तक पानी पहुँचा है। जो 2-4 घर प्रभावित हुए हैं उनको जो रिलीफ है वो दिया जा रहा है। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है हरिद्वार से पानी अब कम हो गया है और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक यहाँ पर भी पानी वापस नीचे चला जाएगा।